क्योटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। मुरादाबाद में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का बुगुल बजते ही पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुरादाबाद देहात के 14,68,329 मतदाताओं को 643 ग्राम पंचायतों के प्रधान, 972 क्षेत्र पंचायत और 39 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करना है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भी इसी दिन मतदान होना है। पंचायत चुनाव में अपने समर्थकों को उतार कर जिताने के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को मुरादाबाद जिले में मतदान होगा, जिसके लिए सभी प्रत्याशी लोगों को बीच जाकर जनसंपर्क और वोट डालने की अपील कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सभी देख ही रहे हैं कि गांव की क्या पोजीशन है, गांव का विकास जैसे बहुत टूटी हालत है, गांव की रास्ते भी अभी सही नहीं है और नंगली है। हमारी गांव में जुड़ा हुई उसके अंदर जो है कच्चे मकान हैं, फूटी हवेली हैं। सोचा है कि जो है उन लोगों को कॉलोनियाँ वलोनियाँ कराई जाएँ, गांव की कुछ हेल्प की जाए, इसीलिए हम जी देखो उम्मीदवार से खड़े हैं। अगर कामयाबी हो गई तो इसीलिए है, दुआ है ऊपर वाले से कामयाब कर दे तो हम जो लोग बेचारे परेशान हैं उनकी परेशानी हमारे जरिए हल हो जाए। केंद्र सरकार और यूपी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव के लोगों तक नहीं पहुंचती हैं जी, कैसे पहुंचेंगे आप, क्या करोगे उसके लिए? जी उसके लिए हम भाग दौड़ करेंगे, विकास के लिए भागेंगे, सरकार से मदद मांगेंगे कि साहब हमारे गाँव में इतनी पोल्यूशन ख़राब है, कुछ मदद की जाए। उसके लिए लखनऊ तक भागेंगे जी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे यहाँ कई प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों ने हमें ही चुना है। उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। 26 तारीख में चुनाव है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चार पाई का हमारा निशान है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप सहयोग।